दोस्तों पिछले हफ्ते ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मून के लिए एक टाइम कीपिंग स्टैंडर्ड बनाने का प्रपोजल रखा है। ये प्रपोजल तब आया जब अप्रैल 2024 में यूएस व्हाइट हाउस ने नासा को ऑफिशियली ये डायरेक्शन दिया था कि मून के लिए एक टाइम स्टैंडर्ड बनाया जाए। नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम जो 2026 तक एस्ट्रोनॉट को वापस मून पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है और चाइना और इंडिया के फ्यूचर लूनर मिशन को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्डाइज्ड लूनर टाइम सिस्टम की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा मिशन मून पर जाएंगे उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड के बिना ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DIIS के YouTube चैनल पर। दोस्तों मून के लिए अलग टाइम सिस्टम की जरूरत क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पहले अर्थ के टाइम सिस्टम को समझना होगा कि अर्थ पर टाइम कैसे मेजर किया जाता है। अर्थ पर हम कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम यानी UTC का यूज करते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स द्वारा सेट किया जाता है। UTC को ट्रैक करने के लिए दुनिया भर में 400 से ज्यादा एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है। अब ये एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती है, आइए ये भी समझ लेते हैं। एटॉमिक क्लॉक बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक हैं जो एटम्स की वाइब्रेशन को मेजर करके टाइम कैलकुलेट करते हैं। इनमें सीजियम-133 जैसे एटम्स का यूज होता है। इसमें एक सेकेंड को डिफाइन किया जाता है उस टाइम से जिसमें एक सीजियम एटम 9,19,26,31,770 बार वाइब्रेट करता है। इतनी एक्यूरेसी की वजह से ये क्लॉक सिर्फ एक सेकेंड का एरर 100 मिलियन ईयर्स में करते हैं। और अब वापस अपने सवाल पर आते हैं कि मून पर अलग टाइम सिस्टम की क्या जरूरत है। इसका जवाब हमें मिलता है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से। इस थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड कर देती है, यानी जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम स्लो हो जाएगा। आपको इंटरस्टेलर मूवी तो याद ही होगी कि कैसे ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। वैसे ही मून पर ग्रेविटी अर्थ से कम है, इसलिए वहां टाइम अर्थ के क्लॉक से एवरेज 58.7 माइक्रोसेकंड आगे निकल जाता है। ये डिफरेंस सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन स्पेस मिशन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग में मिलीसेकंड की एक्यूरेसी चाहिए होती है, स्पेस मिशन में डेटा ट्रांसफर का एग्जैक्ट टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। अर्थ और मून के बीच कम्युनिकेशन में टाइम लैग को एक्यूरेटली मेजर करना भी बहुत जरूरी है। मून पर व्हीकल्स या एस्ट्रोनॉट के नेविगेशन के लिए प्रिसाइज टाइम की जरूरत होती है। अभी स्पेस एजेंसीज हर लूनर मिशन में अपना खुद का टाइम स्केल यूज करती है जो UTC से लिंक्ड होता है, ताकि इनके ऑर्बिटर या सैटेलाइट्स आपस में कोलाइड ना करें। इस कोलिजन से बचने के लिए मिशन कंट्रोल टीम्स आपस में बात करके अपने ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में मून पर बहुत सारे मिशन होंगे तब ये अप्रोच काम नहीं करेगी। कई देश मून पर कॉलोनीज बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम सितंबर 2026 तक एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। चाइना 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंड कराना चाहता है। वहीं इंडिया का लक्ष्य है 2040 तक मून पर पहुंचना। ऐसे में एक यूनिफाइड लूनर टाइम स्टैंडर्ड की बहुत जरूरत है। अब सवाल ये है कि लूनर टाइम स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ सजेशन दे रहे हैं। जैसे अर्थ की तरह मून पर भी एटॉमिक क्लॉक्स लगाए जा सकते हैं। नेचर जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 एटॉमिक क्लॉक मून की सरफेस पर अलग अलग जगहों पर लगाने होंगे। ये क्लॉक मून के नेचुरल पेस से चलेंगे। इनके आउटपुट को एक एल्गोरिदम कंबाइन करेगा ताकि एक एक्यूरेट वर्चुअल टाइम पीस बना सके। मून के रोटेशंस और उसके सरफेस के नीचे मौजूद मास कंस यानी मास कंसंट्रेशन की वजह से हर जगह टाइम थोड़ा अलग फ्लो करता है। मास कंस क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ये मून के क्रस्ट के नीचे डेंस मास का एरिया है जो लोकल ग्रेविटी फील्ड को अफेक्ट करते हैं, इसलिए अलग अलग लोकेशन पर क्लॉक लगाना जरूरी है। लेकिन लूनर टाइम स्टैंडर्ड बनाने में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मून का एक्सट्रीम टेम्परेचर। मून पर दिन में टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है और रात में -170 डिग्री तक जा सकता है। एटॉमिक क्लॉक्स को इन कंडीशंस में भी एक्यूरेट रहना होगा। और मून पर रेडिएशन भी अर्थ के मुकाबले ज़्यादा है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। इन क्लॉक को कंटिन्यूस पावर सप्लाई एंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज होगा और इन क्लॉक्स की रेगुलर मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करना मुश्किल होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मून तक सीमित नहीं रहेगी। फ्यूचर में जब हम मार्स या दूसरे ग्रहों पर जाएंगे तब वहां भी ऐसे ही टाइम स्टैंडर्ड की जरूरत होगी,
इस तरह ये लूनर टाइम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।